नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा घणी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में, जहां आप जानते हैं हर दिन नई नई शख्सियतों की जिंदगी के बारे में। आखिर हर सफल शख्स जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किन चुनौतियों और संघर्षों को पार करता है और उपलब्धियों को हासिल करता है, ये आप उनकी अपनी जुबानी ही सुनते हैं और उनके अनुभवों से प्रेरित होकर आप भी अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफल होने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी ही कहानी के साथ दोस्तों एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम। जी हाँ, आज हम मिलेंगे एक सफल व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले राम प्रसाद सुहालका से और जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े अनुभवों के बारे में। आपको बता दें, उदयपुर में सत्यनाम ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर राम प्रसाद सुहालका की ये कहानी निश्चित ही आपको प्रेरित करेगी। भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी के निकटवर्ती गांव के रहने वाले राम प्रसाद ने अपना बचपन यहीं बिताया दोस्तों। 1976 से ये उदयपुर शहर में ही निवास कर रहे हैं। जी हाँ, उदयपुर आने के उपरांत अपने बड़े भाई के सानिध्य में रहते हुए इन्होंने व्यवसाय की बारीकियों को सीखा। इस बीच अपनी पढ़ाई भी इन्होंने बीच में ही अधूरी छोड़ दी, क्योंकि महत्वाकांक्षी राम प्रसाद की चाह एक बहुत बड़ा व्यवसायी बनने की थी। कुछ वक्त अपने बड़े भाई के साथ काम करने और अच्छी समझ होने के बाद अपनी खुद की फर्म खोली और एक नए सफर की अच्छी शुरुआत की। दोस्तों, अपने इतने वर्षों के सफर के दौरान कई अलग अलग क्षेत्रों में भी काम किया और जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा प्राप्त कर आज खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में इन्होंने स्थापित किया है। तो आइए अब सीधा मिलते हैं इनसे और विस्तार से जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में और इनके इस खूबसूरत सफर के बारे में। चलिए सुनते हैं इनकी ये प्रेरक कहानी इनकी अपनी जुबानी। राम प्रसाद सुहालका, मैं बेसिक मेरा गांव कोटड़ी के पास भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं 1976 के अंदर उदयपुर आ गया था और उदयपुर से मैंने मेरे बड़े भैया के साथ में काम किया, बिजनेस चालू किया। उनके साथ रह करके, उनके पास रह करके उन्होंने और मेरे मदर फादर ने पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दिया कि पढ़ाई करो, लेकिन मैं मेरे भैया के साथ बिजनेस में आने की वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, इतनी पढ़ाई नहीं की। लेकिन बिजनेस के अंदर मेरा एक वो था कि मैं बिजनेस को करके एक मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो मैंने 1976 से 85 तक मेरे बड़े भैया के साथ काम किया था। 85 के बाद में मैंने मेरा फर्म, खुद का फर्म चालू किया। फिर मैंने काफ़ी तरह के बिजनेस किए थे, लेकिन मैं 1999 के अंदर अपोलो टायर का बिजनेस चालू कर दिया। तो अपोलो टायर का बिजनेस आज की तारीख में 75 करोड़ सालाना काम करता हूँ। और 2005 के अंदर मैंने अपना टाटा मोटर्स स्पेयर पार्ट्स का डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, जो उदयपुर से लेके हमारा आधा राजस्थान है उसके अंदर सारा काम करता हूँ। मेरे साथ में हमारे कस्टमर वगैरह, हमारा चैनल पार्टनर के सहयोग से, हमारा स्टाफ के सहयोग से बहुत ही अच्छा हमने प्रोग्रेस की और सब के साथ मिलके सबका सहयोग से हमने आज करीब 250 करोड़ का बिजनेस कटिंग की। इस साल का हमारा टारगेट है। और सबसे बड़ा हमारा पिताजी माताजी का बहुत ही आशीर्वाद रहा, जो हम सब बच्चों को पढ़ाई कराने में बहुत मदद की, उन्होंने बहुत सहयोग किया, हर तरह से चाहते कि हम पढ़ लिख के बड़े आदमी बने। उसके बाद मेरे भाभी और मेरे बड़े भैया भी बहुत सहयोग किया हमारा पढ़ाई का, काम का, अच्छी शिक्षा देना। फिर हमारे यार दोस्त की टीम अच्छी थी, दोस्त लोगों ने हमारा बहुत अच्छा परिचय दिया और दोस्तों की वजह से आज मैं इस हर तरह की दोस्ती थी हमारे पास, अच्छे लोग थे, अच्छा सिखाते थे, हम भी दो बात सीखते थे, अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो हम भी यही सोचा है कि यार आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इतना बड़ा बिजनेस कैसे करूँ। मैंने भी अपना सोच लिया कि बड़ा बिजनेस करना ही है अपन को, और बड़ा बिजनेस करने के लिए ईमानदारी
एक, दूसरा व्यवहार, तीसरा अच्छा बोलना, और बहुत ही हमने प्रयास किया कि हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटें, आगे ही चलने के लिए हमको ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ वगैरह हमारे यार दोस्तों के साथ मिलके हमने जो ग्रोथ किया, जो बिजनेस किया, जो कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह है, हमारी इज्जत है पूरा। आज हम नंबर वन अपोलो टायर के अंदर ऑल ओवर इंडिया के नंबर वन डीलर में से गिने जाते हैं। अपोलो टायर के MD, CMD, प्रेसिडेंट वगैरह सब अच्छी तरह हमें पहचानते हैं, जब भी मिलते तो गले मिलते हैं, रिलेशन अच्छे हैं हमारे। और टाटा मोटर्स के अंदर भी हमने 2005 से चालू किया, तो बढ़िया रिलेशन है हमारा और बढ़िया ग्रोथ हमने किया है। और हमारा बच्चा भी बिजनेस में आने लग गया है, 3-4 साल से बढ़िया काम कर रहा है, और पढ़ाई हमारे बेटे बेटियों ने पढ़ाई सारी बाहर से की है। एक जमशेदपुर से बड़ी बेटी ने की है MBA, और एक बेटी ने बेंगलोर से पढ़ाई की है, जो डिलोइट के अंदर सर्विस करती थी, अभी पढ़ाई अभी वो अहमदाबाद के अंदर IIM के अंदर है। तीसरी बेटी मेरी जो यहाँ पे बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, उनके यहाँ शादी कराई है, वो भी MBA बॉम्बे से की है। बेटा मेरा जो 25 साल का, वो SPGN से पढ़ाई करके आया है MBA, और अभी सेवा कर रहा है। और इसमें बहुत अच्छा हमारा रिलेशन, हमारा ईमानदारी और PC की बदौलत हम आज इस मुकाम पे हैं। और हमारे हमारी और ब्रांचें हैं, एक किशनगढ़ के अंदर हमारी ब्रांच है, और एक हमारा भिलवाड़ा के अंदर ब्रांच है, एक हमारा रेती स्टैंड पे ब्रांच है, और एक हमारा बलीचा के अंदर है ऑफिस है हमारा। और अभी नया फार्म हाउस हमारा जो वेयरहाउस है, नया वेयरहाउस हमने बनाया जो उदयपुर 6 लेन रोड के ऊपर कोलना का है, उसी के पास बलीचे आर्या फला बोलते हैं इसको, प्राकृत होगा इस स्थिति में बनाया। और आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर इसमें शिफ्ट कर लेंगे हम, सारा बिजनेस एक ही जगह से की अनलॉक कर देंगे। और इसके अंदर हमारा यार दोस्तों के से लेके सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा इस मुकाम में पहुँचने के लिए। मेरा अकेला का तो हिम्मत नहीं, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत केवल मेरी उसके अंदर है, लेकिन प्रॉपर मेरे साथ एक से एक कदम, मतलब साथ में रहने वाले ही हमारे को आगे बढ़ाया है, और उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें ग्रोथ दिया, और बिजनेस हम आगे से आगे इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मेन बड़ा बिजनेस कहो चाहे कैसा भी, टाटा मोटर्स का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, जो कॉमर्शियल व्हीकल है, स्पेयर मतलब सारी गाड़ियों का पार्ट्स में रखता हूँ। मेरे पास करीब 20,000 आइटम मेरे पास एनी टाइम अवेलेबल रहता है। हिंदुस्तान में कहीं भी कहीं गाड़ियाँ अटक जाती, कोई पार्ट्स के बारे में कुछ भी हो जाए, हमारा ऑनलाइन दिखता है सिस्टम में, टाटा मोटर्स का ऑनलाइन सिस्टम में दिखता है कि कौन सा पार्ट कहाँ रखा हुआ है। कोई गाड़ी फेल हो गया, अगर बॉम्बे में फेल हो गया, वो पार्ट कोई इंडिया में नहीं है तो मेरे पास दिखेगा, तो मैं उसके लिए एनी टाइम उसके कस्टमर को गाड़ी ऑन रोड करने के लिए एनी टाइम तैयार रहता हूँ। और मेरा कोई भी पार्ट छोटा से बड़ा हो, कभी भी हम ना नहीं बोलते हैं कस्टमर को, जहाँ अगर मेरे पास है तो हम तुरंत उसमें सप्लाई देते हैं। उसकी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, क्यों, मेरे कंपनी टाटा मोटर्स इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसका गाड़ी खड़ी होना हम उसको नहीं चाहते हैं कि हमारे टाटा मोटर्स की गाड़ी कहीं खड़ी हो के ब्रेक डाउन, कस्टमर नाराज हो, नहीं हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट उसको सर्विस देवे। और इसी प्रकार से हमारा टायर के अंदर भी हमारा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी टायर चाहिए, कहीं पर भी गाड़ी, अगर 10 टायर किसी को चाहिए ऑल इंडिया के अंदर, तो चाहे बनारस के अंदर गाड़ी के 6 टायर फूट गए हैं चाहिए उसको कस्टमर को, तो हम उसको वहीं पे
उसके जहाँ हैं लोकेशन पे उसी की वहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं और देते हैं, देते आ रहे हैं। क्योंकि मेरी कंपनी अपोलो टायर वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हर तरह से हम लोगों का सहयोग करती है, हमें साथ देती है। वो हमें हर टाइम यही बोलती है, कहीं भी आप अटक जाओ हमें याद करो। हम वही करते हैं और हम उस कंपनियों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम हर तरह से हमको सहयोग करती है, हमारे साथ साथ हाथ से हाथ मिला के काम करती है। मैंने हर टाइम यही सोचा है कि मेरे साथ मेरे यार दोस्त, मेरा स्टाफ, मेरे जो भी मिलने वाले हैं उनके साथ रह करके, मेरे परिवार के साथ रह करके मैंने अपना आप में उनको उनके साथ मिलने से, उनका साथ हमारा बनाने से हमको अच्छा मजबूती मिलती है और सहयोग मिलता है। कोई भी हर तरह का हम हमारे सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। हमारा स्टाफ को भी हम कोरोना के अंदर अगर इतना 2-2.5 साल तक हमारा प्रॉब्लम कोरोना चल रहा था, कोरोना के अंदर भी हमने सैलरी पूरी दी, उनको साथ में लेके चले साथ में। और हमारा पूरा जैसे कोरोना के अंदर 3-4 महीने के अंदर बिल्कुल ही लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर भी हमने ये सोचा कि पुलिस वाले रोड के ऊपर खड़े हैं धूप के अंदर 46-45 डिग्री में, तो हमने छाते हमने पूरी तरह से छाते दिए पुलिस डिपार्टमेंट को, और साथ नाइट में ड्यूटी करने वालों को हमने लाइटें दी है। और उसे अच्छा हमको लगा क्योंकि हमें यही चाहते हैं कि भाई ये अगर ये बाहर इतना धूप में खड़े हैं तो कम से कम इनका भी सहयोग किया जाए। तो हमने पूरा शहर के अंदर छाते दिए इन सबको, हमें अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि सबको ये करना चाहिए, करने से क्या कि आगे से आगे ध्यान देवे और बढ़ावा मिलता है। मेरे सबसे बड़े सबसे मैं मानता हूँ तो मेरे माता पिता, जो माता पिता ने बहुत ही हमारे को पढ़ाया, हमारे सारे बच्चों को, सारे भाइयों को, मेरे बहनों को तो नहीं पढ़ पाई लेकिन भाइयों को तो पढ़ाया भी है। और उसके बाद मेरे बड़े भैया जो बालचंद जी सवाल का है, और उनकी भाई पे द्रौपदी भाई जो मेरे भाभी है, उन्होंने बहुत ही हमारे को शिक्षा से लेके और बिजनेस से लेके और हमारे अच्छे रिलेशन बनाने, हमारा परिवार के अंदर अच्छा रिलेशन करने के साथ दिया। उन्होंने हर टाइम उन्होंने हमारे को बहुत ही अच्छा सहयोग किया है और बहुत ही बच्चे जैसे हमें रखा है। माता पिता तो रखते ही हैं लेकिन मेरी भाभी भी बहुत आदर्श है और बहुत ही सहयोग किया है, और मेरी मिसेज ने भी हमें बहुत साथ दिया है और अच्छा रखा है। और हम लोग अच्छे परिवार से हम बहुत अच्छे रहते हैं, हम भतीजा भाई भाभी सब अच्छे रहते हैं हम, और हमारा रिलेशन मजबूत बना है। रहते अलग अलग है लेकिन लगता है हम सभी साथ हैं। मेरे को खेती का भी बड़ा शौक था, और मैंने मेरे यहाँ पे एक छोटा सा खेत लिया जो उदयपुर के पास ही है, 6 किलोमीटर दूर है हमारा। उसके अंदर मैंने करीब 2.5 से 3 हज़ार पौधे लगा रखे हैं जो खाने पीने का है, फल फ्रूट है। हमारे को बहुत बढ़िया शौक क्योंकि हमें मेरा खेती के उससे ही आया हूँ, मैं गांव से आया हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को ऐसी चीज़ होनी चाहिए मेरे पास जो एक फलदार पौधे होने चाहिए। और फल सारी तरह के पौधे लगा रखे हैं मैंने, करीब 12 तरह के तो आम है मेरे पास जो आज की तारीख में हम खाते भी हैं, लगते भी हैं, और चीकू है, मतलब काफ़ी आइटम है, अंजीर है, काफ़ी आइटम मैंने लगा रखी है जो मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ और मैं खुद पानी भी पिलाता हूँ, और उसको अभी तक लगाया तब से उसकी सेवा भी पूरी करता हूँ। कभी भी एक पेड़ सूख जाता तो मेरे निकलता गया, क्या मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया एक पेड़ चला जाना, तो उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ मैं। मेरी लेबर के साथ मिलके मैं पानी पिलाता हूँ, खुदाई भी कराता हूँ,
कभी कभी, और मैं चाहता हूँ बड़े हो पेड़, कटिंग नहीं कराता हूँ पेड़ों की। मैं तो सबको यही सलाह दूंगा, बिजनेस में एक तो ईमानदारी होना ज़रूरी है, ईमानदारी और अपने आप में मतलब दिमाग की ताकत होना ज़रूरी है। आप कोई भी बिजनेस करो, अपने आप बिजनेस चलता है, और ग्रोथ भी लेना है अपने आप होती है, और बहुत ही सावधानी से बिजनेस कर सकते हैं हर आदमी। अपने आप पैसे और उसकी ज़रूरत नहीं है, काम ग्रोथ करने का सोचेगा तो हर आदमी अपने आप ग्रोथ करेगा, बिजनेस करेगा, कई कई रुकावट नहीं आएगी। वर्ग मोब ने जो मुहिम चला रखी है, जो देश के सभी लोगों को इसमें बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिलेगी, और इस प्रकार से अच्छा चलना चाहिए, चलता रहेगी आपकी कंपनी की, मतलब आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इससे हमें आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, ये थी एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर राम प्रसाद सुहालका की सक्सेस स्टोरी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें, और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।